वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इमो एप्लीकेशंस का अकाउंट लॉगआउट कैसे करें। अगर आप भी इमो एप्लीकेशंस के अकाउंट को लॉगआउट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्कैप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इमो एप्लीकेशंस के अकाउंट को लॉगआउट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इमो ऐप ओपन करेंगे, अपनी प्रोफाइल में आएंगे, उसके बाद में आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है अकाउंट एंड सिक्योरिटी का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, न कि आपको लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप इमो एप्लीकेशंस के अकाउंट को लॉगआउट करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करेंगे, ऐसा एंटर पे जा देगा, फिर एक ऑप्शन आता है ऐप का सेटिंग में, ऐप में आपको आना है। ऐप में आएंगे उसके बाद में आपके मोबाइल में जो भी ऐप रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपली ऐसे आपको क्या करना है, इमो ऐप पे आपको ऐसे क्लिक कर लेना है। तो चलिए ऐसे मैं इमो ऐप पे क्लिक करता हूँ, आपको भी सिंपली ऐसे आपको इमो एप्लीकेशंस पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इमो ऐप पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एंटर पे जा देगा। तो चलिए ऐसे सबसे पहले मैं इमो ऐप पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया ऐसा एंटर पे जा चुका है। अब एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज का, इस पर क्लिक करना है, फिर एक ऑप्शन आएगा क्लियर डाटा, इस पर क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन का अकाउंट रहेगा पे लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इमो एप्लीकेशंस को ओपन किया फिर से, यहाँ पर कोई भी मैंने वीडियो में कट वगैरह नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इमो एप्लीकेशंस के अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।